गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित जांगड़ा एंड आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी ज्योग्राफी इन सूरज स्कूल रेवाड़ी। हेयर वी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th एंड नेम एग्रीकल्चर। हेयर वी अंडरस्टैंडिंग एग्रीकल्चर टाइप ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री और वी कैन से फॉर आवर इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड्स फूड्स ग्रेन्स, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। इट मीन्स आपकी जो रॉ मटेरियल है वो भी प्रोड्यूस करता है आपका रॉ क्या कहते हैं इसको, एग्रीकल्चर। इसलिए एग्रीकल्चर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इवनली कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की, ठीक है। देखिए, समय के साथ चेंज हुआ है। इन ओल्ड टाइम और इन प्रेजेंट टाइम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर देन वी सी मैनी टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज और वी कैन से एक्स्ट्रा थिंग यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा थिंग हम एग्रीकल्चर के लिए अंदर यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों के अंदर चेंज भी आना पॉसिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंस फार्मिंग की, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग की। देखिए, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग से पहले आपको ये समझना होगा कि सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। हेयर वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब्सटेंस फार्मिंग, देयर वी सी दैट एग्रीकल्चर फॉर आवर सेल्फ, हम अपने लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको कहा जाता है सब्सटेंस फार्मिंग। एक पर्टिकुलर फसल आप बोते हो और उसको अपना आप खुद ही यूज़ करते हो, वो आपका होता है सब्सटेंस फार्मिंग। इसके अंदर बात है आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसका मतलब है कि ओल्ड टाइम के अंदर, पुराने टाइम के अंदर आपकी जो एग्रीकल्चर होती थी उसको कहा जाता है आपका प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, और इसी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग को आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। मॉडर्न एज के अंदर इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। अगर आपने देखा हो तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इसको झूमिंग कहा जाता है, और इस झूमिंग के अंदर होता क्या है कि आपके एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर पेड़ों को काट दिया जाता है, जो नीचे के पेड़ बच जाते हैं छोटे कटे हुए उनको जला दिया जाता है, ऐश को यूज़ किया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र, और 2 से 3 साल के लिए वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एक ये जो आप आपके ऊपर ये बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर झूमिंग के आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नेम बता रखे हैं, जिसके अंदर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है, इज़ नॉन एज मिल्पा इन मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर कहा जाता है, कनुको वेनेजुएला के अंदर कहा जाता है, रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया और रे इन वियतनाम। ये तो बात है देशों की। अगर इंडिया के अंदर भी आप इसकी बात करोगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स के अंदर इसका नाम भी अलग अलग है, ठीक है। ये है आपकी झूमिंग एग्रीकल्चर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो है आपका वो है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। इस तरह की जो फार्मिंग है आपकी, ये पर्टिकुलरली उस रीजन के अंदर यूज की जाती है जहां पे आपकी लैंड के ऊपर सरप्लस प्रोडक्शन करने का दबाव होता है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा आपको कि जहाँ पे ज़मीन बहुत कम हो जाती है, ठीक है, एक कंटिन्यू पैटर्न के थ्रू चलते हुए आपकी ज़मीन जो कम हो जाती है और पॉपुलेशन जिस रीजन के अंदर ज़्यादा होती है वहाँ पे कम ज़मीन के ऊपर सरप्लस प्रोडक्शन करने की जिम्मेवारी आ जाती है, या ये कहूँ कि उसके ऊपर बर्डन आ जाता है, और उसको पूरा करने के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है उसको कहा जाता है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। देखिए, कमर्शियल फार्मिंग मॉडर्न टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसके अंदर, जैसा इसके नाम है कमर्शियल, इट मींस एग्रीकल्चर यूज फॉर द मनी, कॉमर्स पर्पज से, ट्रेड से, आपका पैसा कमाने से जो आपकी एग्रीकल्चर की जाती है उसको कहा जाता है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है। इट मीन्स मॉडर्न टाइम के अंदर जितनी भी टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर यूज़ की जाती हैं, चाहे आप HYV सीड्स की बात करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करो, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स और अदर जो कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज हैं, ठीक है, उन सब का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज ए कमर्शियल एग्रीकल्चर फॉर नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज़ यूज एज सब्सटेंस क्रॉप, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे आपने देखा होगा कि एक ही एग्रीकल्चर जो है उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन इज ऑल्सो ए कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे एक साल के लिए लगातार एक ही टाइप की आपकी फार्मिंग की जाती है। हालांकि कुछ केसेस में ये एक साल के लिए है, कुछ केसेस में ये बहुत लंबा चला जाता है। जैसे इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबड़, सुगर केन, बनाना एट्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। टी इज़ आसाम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इज कर्नाटका एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दीज स्टेट्स। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ मेनली फॉर मार्केट अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। यहाँ पे इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है बिकॉज फर्स्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन इज फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड द अदर थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी यूजफुल फॉर दिस रीजन। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। और इंडिया के अंदर तो आप देख सकते हो कि बनाना है, बैम्बूज है, रबर है, सुगर केन है, ऑल दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी यूजफुल इन दिस रीजन। ओके गाइज, सो दिस इज द टाइप ऑफ फार्मिंग। आफ्टर दैट क्रॉपिंग सीजन क्या है, स्पेशली सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रीकल्चर्स क्या है, उन सब चीज़ों के हम बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर टाइप ऑफ फार्मिंग तक ही है। ठीक है, और आगे का जो चैप्टर बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।